तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शराब घोटाला केस में आपके नेता संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले मामले में उन्हें 181 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। संजय सिंह करीब 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे और संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिलने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्य की विजय होने की दुहाई। दूसरी तरफ इसके पलटवार में बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि घोटाला नहीं हुआ और अब वो दोष मुक्त हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं। सत्य की जीत हुई है इसलिए मुझे न्यायिक पे भरोसा था। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्य की विजय होने की दुहाई। दूसरी तरफ इसके पलटवार में बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि घोटाला नहीं हुआ है और अब वो दोष मुक्त हो गए हैं। आम आदमी पार्टी का विरोध करने वालों की तरफ से एक बात लगातार कही जा रही थी कि मामला इतना संगीन है कि शराब घोटाले में अब तक किसी को जमानत नहीं मिल पाई है, लेकिन संजय सिंह के जमानत के बाद अब अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। इस राजनीति की सारी परतें हम खोलने वाले हैं। 6 महीने से संजय सिंह जेल में थे। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई होनी थी। संजय सिंह को जमानत देते हुए कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस मामले को मिसाल के तौर पर नहीं माना जाएगा, यानी इस केस को आधार बताकर या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आधार बताकर भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों में जमानत के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। आम आदमी पार्टी इस फैसले को अपनी नैतिक जीत के तौर पर देख रही है और यही वजह है कि संजय सिंह की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के तेवर और ज्यादा तल्ख हो गए हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, फिर संजय सिंह जी को जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला, लेकिन आज संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है वो खारिज हो गया। दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोष मुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है वो सब आज दोषी है ही। आम आदमी पार्टी के संगठन के लिए काम करने वाले संजय सिंह को जमानत लंबी जद्दोजहद के बाद मिल पाई है। 181 दिन के बाद यानी पूरे 5 महीने 29 दिन बाद संजय सिंह को जमानत मिली है। लंच के पहले और लंच के बाद दो कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने यह कहा कि भाई जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पर संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दी गई है। संजय सिंह की रिहाई होते ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर ताल ठोंक दी गई है। पहले सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि आपके अरविंद केजरीवाल शेर हैं और अब आम आदमी पार्टी के नेता स्वाति मालीवाल ने बयान दिया है कि शेर को ज्यादा दिन तक कैद नहीं किया जा सकता। ईडी सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से संजय सिंह ने मिलवाया था। आरोप ये भी है कि संजय सिंह के एक सहयोगी सर्वेश को दिनेश अरोड़ा के आदमी से
2 करोड़ रुपए दो बार में मिले थे। इस बुनियाद पर ईडी ने संजय सिंह को आरोपी बनाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी ने सिर्फ एक बयान पर संजय सिंह को गिरफ्तार कर पाया। आदमी का बयान जो 10 बार बयान दे चुका है और संजय सिंह जी के बारे में कुछ नहीं कहता, उसके ऊपर दबाव डाल के 11वां बयान कर लो और आप राज्यसभा का वो सांसद उठा लो जो केंद्र सरकार से सवाल पूछता है एक आदमी के बयान पे। मेरी बेल ग्रांट होती है, बेल अगर आप कानून जानते हैं एक मैटर ऑफ राइट ऑर्डिनरीली होता है किसी भी अक्यूज के लिए, तो सूनर और लेटर बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट एंड अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड अ मैटर ऑफ लॉ एंड अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर को आप कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म हो गया। 6 महीने की जेल के बाद जमानत मिलने के बाद संजय सिंह के परिवार में खुशी है और उनकी माँ और पत्नी ने अदालत को धन्यवाद कहा है। अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है और जब तक मेरे तीनों भाई अरविंद जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जब तक बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक अभी ये खुशी अधूरी है। और ये हमारा अभी सत्य की जीत हुई है, इसलिए मुझे न्यायिक पे भरोसा था, इसलिए सत्य की जीत हुई। इस मामले का एक पहलू ये भी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के कारण उनके नेताओं को जमानत नहीं मिल पा रही है। हालांकि इस मामले में ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया, अगर ईडी इस मामले में जमानत का विरोध करता तो फिर पीएमएलए कानून की शर्तों के मुताबिक अदालत को फैसला लेना पड़ता। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजे जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के 55 विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुलाकात की है। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को ये बताया कि सभी विधायक सुनीता केजरीवाल से ये कहने गए थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस लायक हो कि दिल्ली वासियों की सेवा कर सकेगा, या तो मैं हूं या मेरा परिवार है। तो अरविंद केजरीवाल का दोगलापन इससे प्रतीत होता है, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, खुद भ्रष्टाचारी बन गए। उन्होंने कहा परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई है, तमाम बयान है उनके, और आज उन्हें अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला, केवल और केवल अपनी धर्म पत्नी सुनीता केजरीवाल जी मिली। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे उनको बिठा दें हम, उनको नहीं बिठाएंगे, ये छीका इनके भाग में नहीं फूटेगा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। भाजपा से इस्तीफा देने के तुरंत बाद मौजूदा लोकसभा सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वीडियो सामने आया जिसमें भूपेंद्र बघेल नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश